हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो टुडे। आज का हमारा वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग HCS एग्ज़ाम की न्यू बुक के बारे में। आप लोग मुझसे बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि मैम कोई और बुक सजेस्ट कीजिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए। लास्ट टाइम मैंने आर्यहंत की बुक आप लोग को सजेस्ट की थी। ये भी आर्यहंत की बुक है, लेकिन ये डिफरेंट इशूज़ के रिगार्डिंग है। हमारा जो लास्ट HCS का एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया था, तो अप्रॉक्सीमेटली एक साल हो गया था। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप सभी लोगों ने भी एग्ज़ाम्स की होप छोड़ दी होगी कि अभी दोबारा एग्ज़ाम होगा, केस जाएगा, कोर्ट में जाएगा, क्या होगा। आई नो सब लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़ दिया होगा, या जिन्होंने नहीं छोड़ा है बहुत अच्छी बात है, अगर आप पढ़ते आ रहे हैं। सो लास्ट टाइम मैंने आपको हरियाणा GK के लिए एक आर्यहंत की बुक दिखाई थी कि आप उसे अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं एंड आप उससे अपना पूरा हरियाणा GK कवर कर सकते हैं। ठीक आई थिंक 20 से 25 दिन पहले मैंने बताई थी। सो इजीली अब तक वो आपकी बुक कवर हो चुकी होगी अगर आपने ऑलरेडी हरियाणा GK को पढ़ा हुआ है तो, राइट। एंड फिर उसके अलावा अभी हमारे पास एक और बुक है जो कि मैंने कल परचेज़ की है, तो उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगी। बट मैं आपको बताना चाहूँगी ये बुक किस चीज़ को लेके है। ये बुक है आपके पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को लेके। आज 29th है, सो लास्ट आज से 9 दिन बचे हैं। मैंने सोचा है कि मैं इसमें ये जो मेरे करंट अफेयर्स हैं एक साल के वो मैं इसमें से पढ़ने वाली हूँ। तो ये भी आपका आर्यहंत की है, तो इसमें पूरे एक साल के करंट अफेयर्स हैं। अमेज़ॉन पे बहुत सारे डिफरेंट बुक्स हैं, सो आप उनमें से ये वाली ले सकते हैं। इसमें क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पिछले साल अगस्त से जब हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था लेकर अब तक के सारे करंट अफेयर्स इसके अंदर हैं। सो मैं आपको अच्छे से इंडेक्स दिखा देती हूँ। अगर आप बुक को परचेज़ करने से पहले ये देखना चाहते हैं कि बुक के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो आप लोग वीडियो को यहीं पे पॉज करके देख सकते हैं। इसमें नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमी, स्टेट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। एंड क्योंकि लास्ट टाइम भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स को लेकर क्वेश्चन था, सो आप ये सेक्शन भी इसमें से बहुत इजीली देख सकते हैं। कौन सी नई अपॉइंटमेंट हुई है, किस पोस्ट पे न्यू पर्सन को अपॉइंट किया गया है, रेजिग्नेशन, कौन पर्सन, किसकी डेथ हुई है, किसकी, जितनी भी अचीवमेंट्स है वो आप यहाँ पे इस बुक में देख सकते हैं। सो एक साल का जितना भी करंट अफेयर्स था वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। पहला आर्यहंत, मेरी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ पॉलिटी। मैं आप लोग को एक ही बात बोलूँगी, अभी सिर्फ 10 से 11 दिन रह गए हैं, सो जो आपकी स्ट्रेंथ है, लास्ट ईयर भी मेरे जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे वो पूरे सही थे, सो मैंने इस बार भी वही किया है। तो मेरी पॉलिटी की बुक मैंने लक्ष्मीकांत को रेफ़र किया था पॉलिटी के लिए लास्ट टाइम भी। मैंने ल्यूसेंट से जो टॉपिक्स कम इम्पॉर्टेंट है वो मैंने, जो मेरी ल्यूसेंट है वहाँ से कवर कर दिए, लेकिन जो चैप्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, आपका गवर्नमेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, एंड व्हाट आई कैन से आपका प्रेसिडेंट हो गया है ना, और स्टेट में आपका चीफ मिनिस्टर हो गया, आपका म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज, तो ये आप उनको मैं नहीं कहूँगी कि आप जाके अब भी लक्ष्मीकांत पढ़िए, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लक्ष्मीकांत को जब मैं अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी मैंने 5 से 6 बार उसको पढ़ा हुआ है। आई नो व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू नॉट रीड, तो भी मुझे बहुत टाइम लग रहा है उसको पढ़ने के लिए। सो मैं आप लोग को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप लक्ष्मीकांत के लिए जाइए। आप ल्यूसेंट की जो बुक है, किसी भी आर्यहंत की बुक में बहुत अगर शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में लिखा है वहाँ से पढ़ सकते हैं पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी से पिछली बार आई थिंक 10 से 11 क्वेश्चन आए थे, तो आई थिंक आपको वो पोर्शन नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं जल्दी जल्दी उसको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, 30th तक मेरा टारगेट है कि मैं पॉलिटी को ख़त्म कर दूँ। थोड़ा सा जस्ट ऊपर ऊपर से देख लूँ ताकि कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, जब आपका इलेक्शन को लेके कोई भी आपके मिनिस्टर का जो है उनको इलेक्शन से कुछ उनके कंट्रोवर्सी होती है, पीछे मेरा डॉग है पीछे से आवाज़ लगा रहा है, मेरा बार बार ध्यान उधर जा रहा है। तो इलेक्शन को लेके जब भी आपके किसी MP MLA की कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, सो आपके जो प्रेसिडेंट है इलेक्शन के मैटर में उनका डिसीजन फाइनल होता है। लेकिन अगर आपका एंटी डिफेक्शन को लेके विच इज़ देयर इन योर पार्ट
टेन लाइक शेड्यूल जो आपके 10 में है, सो उसको रिलेटेड लेके अगर आपका कोई एंटी डिफेक्शन को लेके जो डिसीजन होता है उसमें जो आपका लोकसभा में जो चेयरमैन होते हैं उनका डिसीजन फाइनल होता है. सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो 3 टाइप की इमरजेंसीज लगती हैं, लाइक नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में, 356 एंड आर्टिकल नंबर 360 जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है. इस दौरान आपके कौन से आपके सभी फंडामेंटल राइट्स इन इफेक्टिव नहीं होते हैं, आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 आपके रहते हैं. सो इसके लिए कुछ लॉज हैं. सो अगर मैं ये बताने लगी तो मेरा पूरा जो वीडियो है वो एक लेक्चर बन जाएगा. सो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब मत पढ़ने चाहिएगा क्योंकि कभी भी सारी चीज़ें नहीं आती हैं. जस्ट ऊपर से हर चीज़ को देख लीजिए और आई थिंक दैट विल बी इनफ. और एक्सेप्शंस हमेशा आते हैं और यहाँ से आप अपना करंट अफेयर्स कर सकते हैं. हिस्ट्री का सोर्स इफ़ यू वांट टू नो कि लाइक फ्रॉम वेयर वी कैन रीड द हिस्ट्री, सो आई विल बी मेकिंग द न्यू वीडियो फॉर हिस्ट्री इन द अपकमिंग वीडियोज. अगर आप लोग के डिमांड वैसी आएगी तो आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. तो फिलहाल तो इसको कवर करते हैं एंड पॉलिटी खत्म करते हैं. एक बार मैं हरियाणा जीके को दोबारा से रिवाइज करूंगी क्योंकि लास्ट टाइम हरियाणा जीके का आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि मैम लास्ट टाइम हरियाणा जीके से क्वेश्चन नहीं आया था. तो स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि लास्ट टाइम नहीं आया हो लेकिन इस बार आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना. लाइक देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट कोई रूल होता नहीं है. आपको हमेशा अपने सिलेबस को फॉलो करना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस 25%. लास्ट टाइम मैंने 25% बोला था और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम 25 का एक भी क्वेश्चन नहीं आया. मैं 25 क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, हमारा जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उसमें 25% इज योर हरियाणा जीके एंड दैट शुड बी कवर्ड. वो आए या ना आए, ऐसा भी हो सकता है इस बार वो आ जाए, फिर आप लोग बोलेंगे कि ओ हमने इस चीज़ को छोड़ दिया, हमें इसको पढ़ लेना चाहिए था. एग्जैक्टली, आप लोग को इसको पढ़ लेना चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए. जो भी आपका स्ट्रांग एरियाज है पहले आप उसको स्ट्रांग कीजिए. मेरे लिए मेरा स्ट्रांग एरिया था पॉलिटी, हरियाणा जी के ये करंट अफेयर्स, तो मैं वो कर रही हूँ, ठीक है. लेकिन आपके लिए जो भी आपका स्ट्रांग एरिया है आप वो कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. ओके देन, या बाय बाय एवरी वन, सी यू.